मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कैलाश विजयवर्गीय प्रहलाद पटेल मोहन यादव के अंडर में आ गए हैं। गोपाल भार्गव जो 9 बार के विधायक हैं उनको तो मंत्रिमंडल में जगह ही नहीं मिली। वहीं एक बात है कि हम लोग तो ऐसे हैं कि राजनीति में कोई भरोसा नहीं रहता। 9 महीने पहले गोपाल भार्गव ने अपने विधानसभा क्षेत्र के एक कार्यक्रम में भावुक होते हुए यही बात कही थी। उनकी यह आशंका सही साबित हुई। 9 बार के विधायक भार्गव शिवराज सरकार के उन 10 मंत्रियों में शामिल हैं जिन्हें नई सरकार में जगह नहीं मिली है। मंत्रियों के नाम दिल्ली से तय हुए हैं। कैबिनेट के मार्फत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का संकेत साफ है, भाजपा अब ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से आगे की ओर बढ़ रही है। सिर्फ सीनियरिटी से काम नहीं चलेगा और न ही जूनियर को छोटा समझा जाएगा। मध्य प्रदेश के नए मंत्रिमंडल के गठन से सामने आए ऐसे ही 5 मैसेज को सिलसिलेवार समझते हैं। कोई चुनाव जीते कोई चुनाव हारे फिर भी मंत्री नहीं बन सकता है। अब वरिष्ठता पद की गारंटी नहीं है। शिवराज सरकार में मंत्री रहे 19 चेहरे विधानसभा चुनाव जीते हैं। इनमें मोहन यादव, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल भी शामिल हैं। यादव मुख्यमंत्री हैं, देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल उप मुख्यमंत्री हैं। बाकी 16 में से 6 को ही कैबिनेट में जगह मिली। 10 मंत्री पद की शपथ के लिए कॉल का इंतजार ही करते रह गए। ये सभी 10 चुनाव राजनीति के वरिष्ठ खिलाड़ी हैं। इनमें एक भी ऐसा नहीं है जो कम से कम 4 चुनाव नहीं जीता हो। मतलब साफ है, सीनियरिटी अब पद की गारंटी नहीं रही है। नए को मौका देने के लिए पुरानों को पीछे हटा दिया जाएगा। मैं सिर्फ विधायक बनने नहीं आया, पार्टी मुझे इससे भी बड़ी जिम्मेदारी देगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर 1 में चुनाव प्रचार के दौरान यह बात कहकर अपनी भावनाएं बता दी थी। पद और कद के हिसाब से वे मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार थे। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री और जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा कैलाश विजयवर्गीय की नई जिम्मेदारी को लेकर हो रही थी, क्योंकि यह भी सवाल उठ रहा था कि वो राजनीति में अपने से जूनियर मोहन यादव के टीम में कैसे काम करेंगे। पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाकर मैसेज दिया है कि कद की बजाय पार्टी की जरूरत के मुताबिक ही काम करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री रहे और अब मोहन सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ भी यही हुआ है। मंदसौर जिले के जावत से विधायक ओम प्रकाश सकलेचा पिछली शिवराज सरकार में पहली बार मंत्री बने। उनके पास सूक्ष्म, लघु एवं उद्योग, उद्यम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग था, लेकिन उनका महकमा गुमनाम सा रहा। स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए कुछ काम हुए लेकिन सब सूक्ष्म ही साबित हुए। स्टेट स्टार्टअप 2021 की रेटिंग में गुजरात, कर्नाटक और मेघालय बेस्ट परफॉर्मर थे। यूपी की कैटेगरी भी एमपी से ऊपर थी। वहीं नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग का विभाग कुछ नवीन नहीं कर पाया, जबकि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में काफी स्कोप था। दोनों अब मंत्री नहीं हैं और उनको हटा दिया गया। शिवराज सरकार में आदिवासी महिला चेहरा मीना सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। आरोप भी आदिवासियों की ओर से ही लगाए गए। लोग सड़क पर उतरे, डटे रहे। मंत्री के खिलाफ आंदोलन था, इसलिए पुलिस ने सख्ती की सीमाएं लांघी। नतीजा, प्रदर्शन काबू में आने की जगह और हिंसक हो गया। झड़प ऐसी हुई कि 21 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बिसाहू लाल भी आदिवासी कोटे से आते हैं, कांग्रेस से आए थे। महिलाओं के बारे में उनकी आपत्तिजनक टिप्पणियों से पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा था। दोनों इस बार आउट कर दिए गए। तो वही कई सारे ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं और अब वो मंत्री बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के गठन में दिए गए संकेत साफ है कि मध्य प्रदेश में पहली बार के विधायकों में भी उम्मीद जग गई थी। सस्पेंस सिर्फ इस बात की थी कि किसकी किस्मत खुलेगी। नई नई विधायक बनी राधा सिंह, संपतिया उइके और प्रतिमा बागरी, नरेंद्र शिवराज पटेल और दिलीप अहिरवार मंत्री बन गए। प्रतिमा सबसे कम उम्र 35 साल की मंत्री हैं। इनके चयन में जातिगत समीकरण देखा गया है, साथ ही पर्सनल प्रोफाइल भी देखी गई है। 5 में से 2 पोस्ट ग्रेजुएट, 1 ग्रेजुएट और 1 इंजीनियर हैं। संदेश साफ है कि नए को मौका मिलेगा लेकिन योग्यता भी देखेंगे। बात अगर विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल की करें तो दोनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद दोनों के लिए मंत्री पद के अलावा फिलहाल और कोई विकल्प नहीं था। यह भी तय है कि दोनों को महत्वपूर्ण विभाग मिलेंगे। विजयवर्गीय को अब जल्द ही राष्ट्रीय महासचिव के दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद वो ये भी कह चुके हैं कि इस्तीफा तैयार है। तो वहीं इस बार सभी क्षेत्रों के बराबर ध्यान रखा गया है। मालवा निमार से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा 7 मंत्री हैं। भोपाल नर्मदापुरम को इस बार 6 मंत्री मिले हैं, पिछली बार 5 ही थे। बघेल खंड न नुकसान में रहा न ही फायदा में, पिछली बार 4 मंत्री थे, इस बार भी 4 ही मंत्री बने हैं। राजेंद्र शुक्ल, राधा सिंह, प्रतिमा बागरी और दिलीप जायसवाल। महाकौशल विधानसभा को जरूर इस बार फायदा हुआ है। शिवराज सरकार में 1 ही मंत्री थे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रामकिशोर कांवरे। इस बार प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, संपतिया उइके और राव उदय प्रताप सिंह।
वहीं बुंदेलखंड से गोविंद सिंह राजपूत, लखन पटेल, दिलीप अहिरवार और धर्मेंद्र लोधी को मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल में लोकसभा चुनाव को लेकर भी ध्यान रखा गया है। मंत्रिमंडल को लेकर इस फॉर्मूले पर भी चर्चा हो रही थी कि लोकसभा की सीटों के हिसाब से मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा। मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री और 28 मंत्री जिन विधानसभा क्षेत्रों से आते हैं उनमें से 22 लोकसभा सीटें ही कवर हो रही है। वहीं रतलाम तथा होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र से 3-3 मंत्री बनाए गए हैं। ग्वालियर, दमोह, राजगढ़ और इंदौर संसदीय क्षेत्र से 2 मंत्री बनाए गए हैं। जाहिर है लोकसभा सीटों के फॉर्मूले को तवज्जो नहीं दी गई है। वजह, लोकसभा चुनाव में तो एकमात्र चेहरा मोदी ही काफी है। इतना ही नहीं, इस बार 5 महिलाओं को भी मंत्री बनाया गया है। 2 उप मुख्यमंत्री समेत 30 मंत्री हैं। इस हिसाब से कैबिनेट में महिलाओं की हिस्सेदारी 17% है। शिवराज सरकार में 3 महिला मंत्री थी जबकि 33 मंत्री थे, यानी कुल 9% ही हिस्सेदारी थी और इस बार 17% महिलाओं की भागीदारी है। तो वहीं इस बार के मंत्रिमंडल में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शिवराज सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह का नाम ही नहीं होना, उनके अलावा गोपाल भार्गव को मंत्री नहीं बनाना भी चौंकाने वाला फैसला रहा है। दोनों की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जाहिर है। कैलाश विजयवर्गीय मोहन सरकार में शामिल होने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। बाकी इस पे आपकी क्या राय है, आप अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबर को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।